क्या कहने वाली हूँ ऑन द वीडियो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या अंतर है बाय फैक्ट्स पर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि जहाँ एक तरफ साउथ कोरिया 41,469 करोड़ का वर्ल्ड फेमस के पॉप का बिजनेस खोल कर बैठा है, वहीं नॉर्थ कोरिया में आज भी किम जोंग उन और उनके गुणगान की फिल्में बनाई जा रही हैं और वहाँ के लोगों को इसे देखने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये तो इन दोनों देशों में केवल एक छोटा सा अंतर है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, जहाँ साउथ कोरिया में लोगों को दुनिया के 170 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा दी जाती है, वहीं बॉर्डर के उस पार नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को तो देश के बाहर कदम रखने तक की अनुमति नहीं है। I am the only one in the airport right now. Oh my God! I know, आपको ये सब सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर आप मानोगे नहीं, नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम भैया ने इस तरह दुनिया से अलग थलग करके रखा है कि वहाँ के लोगों को एसी वाली गाड़ी भी कोहिनूर के हीरे की तरह अनमोल लगती है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ऐसी और भी अतरंगी फैक्ट्स को हम देखने जा रहे हैं आज के वीडियो टाइटल 5 डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में। नंबर 1, ऑटोमोबाइल्स। जहाँ पूरी दुनिया की तरह साउथ कोरिया भी ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी ओर आप विश्वास नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में गाड़ियों के अंदर एसी और इलेक्ट्रिक विंडोज जैसे बहुत साधारण से फीचर 2018 में जाके लोगों तक पहुंचाए गए थे और आज भी इन्हें एक लग्जरी आइटम ही माना जाता है। और इस चीज का विशेष कारण है वहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिनको अपने देशवासियों के दिल में उनके प्रति एक डर की भावना बनाए रखनी है। तभी तो नॉर्थ कोरिया में आज भी सिर्फ और सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण और दिग्गज लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में आज भी हर 1,000 लोगों पर सिर्फ 11 गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन देवी और सज्जनों, नॉर्थ कोरिया को किसी से कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनके पास तो अपनी खुद की गाड़ी बनाने की कंपनी है। और पायंगा मोटर्स नाम की एनके की ये कंपनी टैक्सी से लेकर एसयूवीज तक सब कुछ बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। लेकिन अपनी खुद की कंपनी होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में आज भी इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोगों के बीच कार्स का डिमांड बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से वहां के लोग आज भी साइकिल से ट्रैवल करना पसंद करते। और वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया में दुनिया की दो लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ह्यूंडई और किया ने अपनी शुरुआत की है। शायद इसीलिए साउथ कोरिया दुनिया में 6वां सबसे बड़ा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होने के लिए भी जाना जाता है, जहां ये हर 1,000 लोगों पर 475 गाड़ियां बनाता है। नंबर 2, एंटरटेनमेंट। वैसे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को साधारण सी इंटरनेट को एक्सेस करना या रेडियो पर गाने सुनना सरासर मना है? यानी जिन चीजों को पूरी दुनिया सालों से फ्रीली इस्तेमाल किए जा रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया के कई लोगों को इंटरनेट की मौजूदगी का कोई आइडिया ही नहीं है। और जैसे कि मैंने वहाँ के रेडियो के बारे में बताया, आप मानोगे नहीं, वहाँ के सारे रेडियो चैनल्स पर 24 घंटे या तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए हुए मैसेजेस चलते रहते हैं या तो किम जी के गुणगान के गाने बजते रहते हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को अपने मनपसंद गाने तक सुनने का हक नहीं होता है। और तो और, साउथ कोरिया के गाने तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि भले ही ये दोनों देशों के बीच सिर्फ एक बॉर्डर का अंतर है, पर इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ नॉर्थ कोरिया में सारे गाने उनके दिग्गज सुप्रीम लीडर पर लिखे जाते हैं, वहीं साउथ कोरिया के पॉप इंडस्ट्री की कीमत पूरी की पूरी 41,469 करोड़ है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा कड़ी पाबंदियों के साथ रखा जाए ना, तो वो लोग ही सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। तभी तो नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया के गाने और टीवी शोज स्मगल कर अपने देश में ले जाते हैं, और किम जोंग उन कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं ताकि वो अपने देश में चल रहे इस गैर कानूनी हरकत को रोक सके, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर लोग इन चीजों को देखते और सुनते रहे तो एक दिन वो किम के परिवार के खिलाफ आवाज उठाना भी सीख जाएंगे। नंबर 3, कल्चर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी में जहां सारी दुनिया की तरह ही साउथ कोरिया में भी लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को आज भी उनके सुप्रीम लीडर के द्वारा अप्रूव किए गए कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। यही सोच रहे हो ना कि ये लोग कितनी पिछड़ी हुई सोच के? पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां साउथ कोरिया के लोगों में अपने पसंदीदा सिंगर की तरह हर महीने अपने बालों का रंग बदलना एक काफी साधारण सी बात है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भैया का प्रकोप इतना ज्यादा है कि वहां के लोगों का हेयर स्टाइल भी ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। पर दोस्तों, इनका पागलपन यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि 2005 में ये खबर आई थी कि किम के पापा जी के राज में ये हेयर स्टाइल वाले अजीब से रूल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने तो एक पूरा टीवी का शो ही बना डाला था। यानी समझ रहे हो किस हद तक नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर इनको अपने हिसाब से बाल कटवाने की अनुमति नहीं है तो क्लब वगैरह जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर हमारे नॉर्थ कोरिया के भाई लोग भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि बिना
किसी से डरे, वो भी चोरी छुपे पार्टी करते हैं, जहां यही स्मगल किए गए गानों को बजाया जाता है। पर इन सब अंतरों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में उनके भाषा के अलावा उनकी कुछ नेशनल छुट्टियां जैसे न्यू ईयर और लिबरेशन डे भी कॉमन है। लेकिन बस यहीं तक आके इन दोनों की सिमिलरिटीज खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप मानोगे नहीं, जहां साउथ कोरिया में लोगों को उनके हिसाब से कोई भी धर्म को फॉलो करने की अनुमति है, वहीं नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके का रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता है। क्योंकि क्या पता धर्म के कारण कोई बंदा किम के खिलाफ हो जाए तो इतने सालों की मेहनत तो पानी में चली जाएगी ना। नंबर 4, एजुकेशन। लेकिन यारो ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां एक कोरियाई देश पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रमुख देशों में से एक है, वहीं उसका पड़ोसी भाई आज भी अपने देशवासियों को पढ़ाई के नाम पे अपने माई बाप को भगवान के रूप में देखना सिखाती है। और कौन सा देश क्या करता है उसका आइडिया लगाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्योंकि जब बात है एजुकेशन की तो नॉर्थ कोरिया में 17 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होता है। हालांकि ये बात देश में उन्नति लाने के लिए काफी फायदेमंद है, पर ये उन्नति तब आती है जब लोगों को सही सही बातें पढ़ाई जाए, और तब तो बिल्कुल भी नहीं आती जब बच्चों के दिमाग में ये डाला जाए कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य किम और उनके परिवार की सेवा और रक्षा करना है। और तो और लोगों के दिलों में किम के परिवार को लेकर इतना ज्यादा खौफ है कि वहाँ के हर क्लासरूम में किम जोंग इल और किम जोंग इल सुंग के की तस्वीरें लटकी हुई होती है, जिन्हें लोगों को हर समय सम्मान दिखाना होता है। वैसे ही ये बात हुई स्कूल की, पर डरो मत, यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी तो होती है। लेकिन दर्शकों, इन यूनिवर्सिटीज में पैर रखने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया की एलीट और अमीर लोगों के नसीब में होता है। और वहीं जब बॉर्डर के उस पार के लोगों की बात करें तो साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। तभी तो इस देश के 97.9% लोग पढ़ लिख सकते हैं। देख रहे हो लिटरेसी रेट। नंबर 5, ट्रैवल एंड एयरपोर्ट। और अब अगर बात करें हवाई अड्डों की तो दोनों देशों में इतना ज्यादा अंतर है कि जहां एक तरफ साउथ कोरिया का एयरपोर्ट फुल 2 7-star होटल माफिक दिखता है, वहीं दूसरी बाजू नॉर्थ कोरिया के इकलौते एयरपोर्ट की हालत इतनी खराब है कि वो कोई बंजर जमीन से कम नहीं दिखता है। वैसे इन दोनों देशों के एयरपोर्ट के बारे में बात करने से पहले जरा इनके ट्रैवल करने की सिचुएशन पर गौर फरमाते हैं, क्योंकि आपको शायद ही पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में साधारण गरीब लोगों को सफर करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे पापड़ बेलना तो छोड़ो, बेचारे वहां के देशवासियों को उनके देश से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। और इसीलिए यहाँ के पासपोर्ट भी दुनिया के रेयरेस्ट पासपोर्ट में से एक है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ देश के जरूरी से जरूरी लोग, जैसे गवर्नमेंट के लोग, ओलंपिक के खिलाड़ी, अमीर लोग और ऐसे ही कई और लोगों को ये पासपोर्ट दिया जाता है। पर ये तो देश के बाहर जाने की बात हुई, यहाँ के लोकल ट्रेन में सफर करने वालों की हालत और भी फालतू है, क्योंकि लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट की अनुमति की जरूरत पड़ती है। और वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया के लोगों को पूरी दुनिया में कभी भी भटकने की फुल आजादी दी जाती है। इसके अलावा इनका पासपोर्ट दुनिया का थर्ड सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जहां यहां के लोगों को दुनिया भर में 170 देशों में बिना वीजा के एंट्री करने की सुविधा दी जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं इन दोनों देशों के बहुत ही अलग एयरपोर्ट्स की। जहां नॉर्थ कोरिया के पास मात्र एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहीं साउथ कोरिया में 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। और नॉर्थ कोरिया के कम एयरपोर्ट होने का कारण ये है कि यहां साल भर में सिर्फ 6,000 जितने विदेशियों का आना होता है, वहीं साउथ कोरिया के सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वहां 5 करोड़ से ज्यादा पब्लिक हर साल आते जाते रहते हैं। और आए भी क्यों ना भाई, इनके एयरपोर्ट के अंदर गार्डन से लेकर प्राइवेट सोने के रूम्स, आइस स्केटिंग रिंक्स, स्पास और पता नहीं क्या क्या है। यानी एक बात तो क्लियर है कि दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां साउथ कोरिया इस स्पीड में प्रगति की ओर बढ़े जा रहा है कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ये देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं ऐसा लगता है कि किम के कड़े नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया दिन ब दिन और पीछे छूटता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया कभी साउथ कोरिया के लेवल पर पहुंच पाएगा? नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान हासिल हुआ हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ, अगर ऐसी ही दुनिया भर के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिख रहे बेल आइकन को भी हिट कर दो। और अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। ओके, एक बात कहना चाहती हूँ, जब कभी भी आप ये वीडियो देखोगे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड कोई भी, एंड उसके बाद आपको लिटरली ऐसे फील होगा, थैंक गॉड मैं वहां पैदा नहीं हुआ। क्योंकि हम फिर कितने सारे चीजों से अनजान होते, हमारी बुक में भी किम जोंग होते, वही फोटो होता, सिखाते भी वही कि उनके और उनके परिवार का सम्मान कैसे किया जाता है। हमको ना म्यूजिक का ज्ञान है, ना बाहर के देश का कोई भी ज्ञान है, हमको जो दिख रहा वही है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, कार्स भी आज भी जैसे कोई हीरा हो उस तरीके से देखते हैं, एंड कार भी ज्यादा लोगों के पास है नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक है,
करेंगे भी क्यों, और भी इंटरनेशनल भी कोई है ही नहीं वहां पे, कोई जा ही नहीं रहा वहां पे, कोई क्यों जाएगा वहां से, बाहर तो कोई आ नहीं सकता कोई। एक मैंने बीच में कोई एक वीडियो देखी थी जहां पे ना एक लड़की भाग के आई थी नॉर्थ कोरिया से, एंड वो बता रही थी कि वहां पे क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से लड़कियों को ट्रीट किया जाता है, जीन्स नहीं पहनने देते हैं और क्या, वो तो दिखाई दिया है इसमें ही कि किम जोंग की पसंद के जो कपड़े हैं वही पहन सकते हैं, हेयर कट भी उनके, ओ माय गॉड, ये तो इतनी पर्सनल चॉइस होती है हेयर कट से लेके सारी चीजें, हेयर कलर, हेयर कट, ब्रेसलेट, इयररिंग, कपड़े, मुझे आज पैंट नहीं पहननी, मुझे सलवार सूट पहनना है, वी डिसाइड, हम लोग खुद डिसाइड करते हैं आज मुझे साड़ी पहनना है, इस दिवाली ये पहनेंगे, लहंगा पहनेंगे एंड ऑल दैट। बट वही चीज अगर कोई कंट्रोल कर रहा है जिस तरीके से कि तुम ये पहन ही नहीं सकते रूल के, कपड़ों से लेके सारी चीजें, एंड आई गेस कि ये सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा गौर इसलिए दिया गया है क्योंकि एक डर होता है ना कि कहीं मेरे हाथ ये लोग मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलेशन फिर इतनी ज्यादा है। बट उसने सारा पैसा इस वीडियो में फिर भी कंपेरिजन दिखाया इसलिए, नहीं तो मैंने नॉर्थ कोरिया के, सिर्फ नॉर्थ कोरिया के वीडियोज भी देखे है जहां पे लिटरली वो ऐसा ही है कि, कि कुछ भी नहीं, टीवी इंटरनेट इसमें भी दिखाया है, वो नहीं टीवी इंटरनेट नहीं, बट और भी ज्यादा चीजें हैं जैसे कि एजुकेशन भी है नहीं, मिलता नहीं। हाँ, और उस वीडियो में बताया है कि अगर हम गए उस देश में घूमने के लिए तो उनकी मिलिट्री के 2 से 3 लोग हमारे साथ होंगे। अब मुझे पता नहीं कितना सच है, मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे ही देखा था क्योंकि वहां पे फोटो क्लिक करना या कुछ भी क्लिक करना का परमिशन है ही नहीं, एंड उसने सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ ये मिलिट्री आर्मी ये आर्म्स एमिनेशन गन्स वगैरह उसी में लगा दिए हैं। तो दैट्स द रीजन लोगों के पास कुछ है नहीं, रस्ते पे लोग खेलते रहते क्रिकेट वगैरह, गाड़ियां तो चलती नहीं है वहां पे, तो एकदम गांव टाइप वाली चीज है वहां पे। ओ माय गॉड, कैसे होने का ना। तो ये तो मेरा रिएक्शन था वीडियो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या अंतर है बाय फैक्ट्स बाय। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आने।